सीधी जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने अपनी 14 सूची मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि कार्यकर्ताओं की न्यूनतम वेतन कम से कम 24,000 रुपए प्रति माह, सेवानिवृत्ति पर 10,000 पेंशन का प्रावधान, इसके अलावा आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं का मानदेय बहुत कम है, उसको बढ़ाए जाने सहित कई मांगों का उल्लेख किया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष रानी द्विवेदी, अनिता सिंह चौहान, सचिन कुसुम सिंह परिहार, कोषाध्यक्ष मुन्नी द्विवेदी, मधु जायसवाल, अरुण जायसवाल, मीरा सिंह, डाली सिंह, प्रतिभा सिंह, अंजू सिंह सहित बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता सहायिका मौजूद रही। हमारे जो बहने हैं, बहुत बड़ी इनको उम्मीद है कि सर हमारा जापन पहुंचाएंगे। सर कुछ कहना चाह रहे हैं हमारी बहनें? हाँ, सर बोल दे। मैंने बिल्कुल पहुंचाएंगे भाई। आपको भी अगर लगता हो कि हमारी बहनें काम करती हैं आंगनबाड़ी, अगर भाई हर विभाग के लिए हम लोग कम से कम जो सरकार की जो एक मजदूर की न्यूनतम वेतन एक दिन की वो तो हम लोगों को मिले। छुट्टी में भी छुट्टी नहीं, संतुष्ट है सर इस बार? ना रहे हैं जहाँ तो पिछले दो सालों से छुट्टी थी हमारी, ना दशहरों की छुट्टी थी, तो यदि संडे तक भी लग जाए नहीं तो बाहर नहीं आ जाए। पकड़ाइए, दो तीन बजे रात तक दीजिए दीजिए। सर भी बाहर से ही है ना, इधर इधर हम तो 5.5 किलोमीटर दूर से। हाँ सर,